स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड देयर स्पीड। तो हम उनकी स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान दें, अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर लेट करते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रखनी होगी, और अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर लेट करते हैं तो पैसेंजर ट्रेन की हो जाएगी x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। अब पहला केस देखें, फॉर पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर और स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और आप टाइम का फार्मूला रखें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 132 अपॉन x आवर, टाइम आवर में होगा। केस सेकंड केस कंसीडर करें, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस सेम रहेगी, एक ही डिस्टेंस कवर करती हैं दोनों, 132 किलोमीटर और स्पीड चेंज है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 आवर लेस है पैसेंजर ट्रेन से, मीन्स यहाँ पहले t2 निकाल लें, 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड से x प्लस 11 आवर और t1 माइनस t2 इक्वल टू 11, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम होगा पैसेंजर ट्रेन का ज़्यादा होगा। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1, x प्लस 11 एलसीएम ले लिया, 132 इंटू x प्लस 11 माइनस 132 x इक्वल टू 1, एक्सपांड कर दें अंदर, 132x और प्लस 11 में मल्टीप्लाई कर दें तो 1452 माइनस 132x, इसको भी एक्सपांड कर दें, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1, ये न्यूमरेटर से ही कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा उसमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452, और उसको लेफ्ट में शिफ्ट करें, इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंपेयर करें, हियर a इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू 11 कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c इक्वल टू माइनस 1452, कॉन्स्टेंट टर्म्स क्वाड्रेटिक फार्मूला रखें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और वैल्यूज पुट करें, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 अपॉन 2a 2 इंटू 1 आगे सॉल्व करें, माइनस 11 प्लस माइनस रूट 11 स्क्वायर इज 121, और ये प्रोडक्ट निकाल लें, पॉजिटिव में होगा, प्रोडक्ट होगा 5808 अपॉन 2
आगे सॉल्व करें, x की वैल्यू चल रही है माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दोनों को ऐड कर दें 9295 अपॉन 282, स्क्वायर रूट निकालें 77 आएगा उसका, माइनस 11 प्लस माइनस रूट, स्क्वायर रूट निकालें 77 अपॉन 2, अब दोनों साइन अलग अलग लेके सॉल्व करें, टेकिंग प्लस साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2, इस गिव्स यू 66 अपॉन 2 दैट इज 33, टेकिंग माइनस साइन एक्स इज माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2 माइनस 88 अपॉन 2 माइनस 44, ये एक्स की दो वैल्यूज हुई, एक्स की वैल्यूज यानी पैसेंजर ट्रेन की दोनों स्पीड हो गई, लेकिन एक्स इक्वल टू माइनस 44 को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज स्पीड में नॉट बी निगेटिव, एक्स इक्वल टू माइनस 44 इज इग्नोर्ड बिकॉज स्पीड में नॉट बी निगेटिव, सो एक्स इक्वल टू 33, एक्स की वैल्यू 33 होगी और एक्स यानी स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर, लेट किया था आपने तो 33 प्लस 11 44 के एम पर आवर, आपका फाइनल आंसर हुआ 33 किलोमीटर पर आवर एंड 44 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ इनिशियली आपको टू वेरिएबल्स में लेट करना होगा, लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर, लार्जर स्क्वायर का एक्स मीटर और स्मॉलर का वाई मीटर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरिया इज 468, इक्वेशन वन हो जाएगा आपका, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, x माइनस y इक्वल टू 6, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें तो x इक्वल टू 6 प्लस y और y प्लस 6, ये इक्वेशन टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, वाई की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर मीन्स वाई प्लस 6 होल स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करें वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 एंड प्लस वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दें माइनस 468 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे 432 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन
टू से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए 6y 216 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू -216। नाउ राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला हियर, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -216 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस माइनस रूट 36 और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, एट 64 अपॉन 2a, 2 माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8, 4, 6, 10, 0, carry 1, 6, 3, 9, 11, 10, 0, carry 1, 8, 9, 1, 9, 900 अपॉन 2, और आप जानते हैं कि उसका स्क्वायर रूट 30 होगा, माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, ये x की वैल्यू ही। अब एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करना है, टेकिंग प्लस साइन एक्सिस माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 तो 24 अपॉन 2 12 एंड टेकिंग माइनस साइन एक्सिस माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 एक्स इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 2 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 80। अब एक्स आपने कैलकुलेट किया था साइड ऑफ दी स्क्वायर, तो आप जानते हैं साइड एक लेंथ होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, एक्स इक्वल टू माइनस 18 इज इग्नोर्ड बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर मे नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स की वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होगी वो 12। आगे देखें तो और वाई वाई भी फाइंड आउट कर लें, तो एक्स ये हो गया और वाई आपका क्या था, सो ये इक्वेशन वाई पर था, पूरा इक्वेशन वाई पर था, इसको वाई पर बनाए ये वाई की वैल्यू है, इक्वेशन आपका वाई पर था। नाउ एक्स इक्वल टू वाई प्लस 6, एक्स इक्वल टू 12 प्लस 6, एक्स इक्वल टू, तो साइड्स आपकी हो जाएंगी 18 मीटर एंड 12 मीटर।